माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। सलमा लगता है तुम्हें अपनी बहू से बहुत प्यार है। कैसे प्यार नहीं होगा, ये है ही इतनी प्यारी, कैसे देखते ही प्यार हो जाए। वैसे कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ सोच कर ही मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि मुझे आयमा की शक्ल में बेटी मिलने वाली थी। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। चलें रस्म शुरू करें। चलो फैसल तुम्हारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, रस्म शुरू करें। अल्लाह तुम दोनों को जिंदगी भर खुशियां दिखाए, सदा हंसते रहो मुस्कुराते रहो। कमाल कमाल आप भी आए ना आके रसम करें। हाँ भाई क्यों नहीं। क्या हुआ अहमद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ अहमद? देखो जाकर सी क्या हुआ। संभाल के परेशान मत हो, आओ इधर बैठो, ठीक हो जाओगी, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है तुम घबरा गई हो। हाँ मैं हूं ना तुम्हारे पास, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे सोफिया हॉस्पिटल ले चले इसे। अरे तुम खुद डॉक्टर हो, क्यों नहीं चेक करती से? मैं करती हूँ चेक, सबर करो। ऐसा करो गाड़ी में मेरा बैग पड़ा है वो मंगवा दो। शायस्ता जाओ गाड़ी से बैग निकलवाओ। बीना अरे सुना नहीं तुमने, उठो और चलो मेरे साथ। अरे खाला क्या हो गया, मैं आपसे माफी मांग तो रहा हूँ और बीना से भी मांगी मैंने माफी, और क्या करूँ? कहाँ की शराफत है ये, है मेरी बच्ची बेचारी को जलील करके रख दिया सारे घर वालों के सामने, उसके पीछे पीछे भागते रहे। देखिए खाला जान बात को समझने की कोशिश करें, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा क्राइसिस में हूँ, मेरे पास एक रुपया नहीं है। मेरे पास जितनी जमा कुंजी थी वो सब मैंने मुकदमे में लगा दी, एक रुपया नहीं बचा मेरे पास। ओफो तो इसकी जिम्मेदार मेरी बेटी बीना नहीं है बल्कि तुम्हारे वालिद साहब है, जिन्होंने मेरी बेटी का निवाला जो था वो भी आयमा को दे दिया। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं कसम खाता हूँ मैं आइंदा कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, प्रॉमिस। मुझे अब तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं, बेहतर यही है कि हम दोनों अपनी राय जुदा कर लें। नहीं बिना प्लीज, देखो प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह के वास्ते प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। रह तो मैं भी नहीं सकती तुम्हारे बगैर शिराज, लेकिन हमें इंसाफ कौन दिलाएगा? आसिम भाई आयमा को वापस क्यों नहीं लाते, उससे सारे पैसे वापस क्यों नहीं लेते? मैं आसिम भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी आयमा और पापा की नजर में गुनहगार नहीं बनना चाहेंगे। देखो प्लीज मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है लेकिन तुम भी वादा करो कि आइंदा मुझ पे हाथ नहीं उठाओगे। अरे वादा पक्का वादा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, सीरियसली प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ, प्लीज। ऐसी क्या बात थी कि सोफिया ने मुझे बाहर कमरे से भेज दिया, परेशान करके रख दिया है। आपने तो मेरे बच्चों की रस्म खराब करा दी। ये आप मिठाई कहाँ से लाए थे? हाँ मुझे तो लगता है मिठाई जरूर पुरानी होगी, इसी वजह से तो उसकी तबीयत खराब हुई है। अरे भाई शहर के सबसे बड़े स्वीट स्टोर से बनवाई है ऑर्डर पर, पता नहीं क्यों तबीयत खराब हुई इसकी। मामा वो मिठाई तो मैंने भी खाई थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फैसल तुम बल्कि तुम दोनों ऐसा करो कि बाहर जाओ और मेहमानों को देखो। कमाल क्या हो गया है आपको, ये कैसी बातें करें आप? वहां उस बच्ची की हालत इतनी खराब है और आप हमें कह रहे हैं कि हम जाके मेहमानों के पास बैठें?
बस अल्लाह खैर करे, कहाँ रह गई? क्या हुआ सुफिया, खैरियत तो है ना? ठीक है ना वो? देखो सलमा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। अकेले में क्यों? तुम सबके सामने बात कर सकती हो। हाँ हाँ बताएं, ये सब फैमिली वाले ही हैं बस। तुम्हारी बहू की क्या ये दूसरी शादी है? नहीं, पहली शादी है उसकी। लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। क्या क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। सलमा मैं 100% श्योर हूँ, मैं रोज कई पेशेंट डील करती हूँ। मैं जानती हूँ, अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं तो किसी हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल जाने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बदनामी हाथ आएगी। या मेरे अल्लाह। मामा ये क्या कह रही है? आयमा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोफिया तुम श्योर हो ना? मैं 100% श्योर हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं इस लड़की को, छोड़ूंगी नहीं। चलो चलो। उतारो ये चीजें। आंटी तुम चुप रहो यहाँ से। हाँ? तुम इन चीजों के काबिल ही नहीं हो, बेहया बेशरम। मैं खुद हैरान थी कि इतनी आसानी से तुम फैसल के साथ शादी करने पे किस तरह राजी हो गई। निकलो, मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हारा नापाक वजूद अपने घर में एक लम्हे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने क्या समझा था हम बेवकूफ है? लाजत का ढेर। चलो बड़ी आई पाक पास बनने वाली। चल इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। आयमा वापस यहां नहीं आएगी। क्यों? मुझे नहीं मालूम, शायद मैं बहुत खौफ ज़दा हूं। संभालो इस गलाजत के ढेर को। ये क्या हो रहा है? आयमा चलो मेरे घर से निकलो यहां से। इसे मेरी नजरों के आगे से दूर कर दे वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। तुम क्यों अपने हाथ गंदे करोगे? मैं इस गलाजत के ढेर को वहीं फेंक कर आऊंगी जहां से उठा के लाई थी। तुमने क्या समझा मैं इस गंदगी को अपने घर में रखूंगी? चलो निकलो, तुम गाड़ी निकालो फैसल। चलो चलो यहां से, चलो यहां से, वरना धक्के देके निकालूंगी। जहां रहना चाहती हो यहां रहो, अपने माँ बाप के घर रहना चाहती हो तो वहां रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने आंटी को बता दिया कि मेरे साथ? ना, और कभी तुम भी ना बताना। आंटी जो सब कुछ चाहती हैं वो मैं, वो तुम मान लो। आप मुझे ये सब कुछ कह रहे हैं? हाँ ये मैं कह रहा हूँ तुमसे, ये जानते हुए भी कि मैं फैसल के काबिल नहीं। चुप कर जाओ अमन। तो फिर कैसे बाप है अपने ही बेटे के लिए मुझ जैसी लड़की का इंतखाब कर रहे हैं? इस वक्त मैं बेटे का नहीं, उस बेटी का बाप बनकर तुमसे कह रहा हूं जिसे तकदीर ने ना करदा जुर्म की सजा दी है। देखो बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कयामत के रोज मेरे दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दोगी। आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है अंकल? अरे बेटा, इम्तिहान में तो तुम पास हो गई, अब तो इम्तिहान के खत्म होने का वक्त है।
क्या बात है, परेशान क्यों हो रही हो? आसिम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा, मुझे लगा तुम शायद आयमा के लिए परेशान हो। खैर, अगर तुम चाहो तो तुम कल शादी में शिरकत कर सकती हो। आसिम, जिसका मैं नाम नहीं सुनना चाहती, भला उसकी वजह से मैं क्यों परेशान होंगी? मेरा तो पता नहीं ऐसे क्यों दिल डूबे जा रहा है। आज भाई, आप आज, मैं कमाल अंकल की तरफ गया था आयमा को लेने के लिए, पर बदकिस्मती से आज उसकी मेहंदी थी। क्या, कितनी बड़ी बदनसीबी है आयमा की, जिस लुटेरे ने उसे लूटा वो आज उसकी जिंदगी की मंजिल बनना चाह रहा है। आज भाई, आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मैंने बहुत चाहा कि मैं आयमा को घर वापस ले आऊं, पर कमाल अंकल ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। आयाज भाई, खुदा के लिए इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, आयमा वापस यहां नहीं आएगी। क्यों? मुझे नहीं मालूम, शायद मैं बहुत खौफजदा हूं, या शायद बहुत गुनाहगार। गुनाह तो हम सबसे हो गया, आयमा बेचारी ने तो इस घर में पना ली थी, अगर इस घर ने ही उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, और हम ये भी मालूम नहीं कर सके कि उसका मुजरिम कौन है। अयास भाई, इस बहस का अब कोई फायदा नहीं है, उसकी शादी हो रही है, वो भी एक बहुत ही बुरे इंसान के साथ। हम दुआ करें कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो इस घर में वापस आएगी, उसे हमारी जरूरत नहीं है। आयमा इस घर में वापस आएगी जल्दी। रहमा, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही तो हॉस्पिटल चलते हैं। आज से मेरे कानों में पता नहीं क्यों अम्मी अब्बू के चीखने की रोने की आवाजें आ रही है। आज से मैं इन आवाजों से बचकर कहाँ जाऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे किस चीज की सजा मिल रही है, क्या करूं? इसलिए कि तुम बहुतान और तोहमत लगाने वालों में शामिल हो गई, शायद तुम्हारे वालिदैन को ये सुनाई दे रहा हो और उन्हें दुख पहुंच रहा हूं। सर, मैं तो अकेली नहीं हूं, बहुतान लगाने वालों में से तो आप भी थे। अगर आज अम्मी अब्बू होते ना तो शायद वो भी इस बात पे इल्जाम लगाते आयमा पर। आसिम, आसिम प्लीज मुझे अम्मी अब्बू के पास जाने, अम्मी अब्बू की कब्र पे ले चले मुझे, प्लीज आसिम मुझे कब्रिस्तान ले चले। आयमा, इस वक्त? हाँ, इसी बात, अभी के अभी, मुझे अभी के अभी कब्रिस्तान जाना है। चलो, बड़ी आई। संभालो इस गलाजत के ढेर को। ये क्या हो रहा है? आयमा आंटी, आज तो आयमा और फैसले की मेहंदी की रात थी। आज फैसले की रात है। रायमा, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, एतबार किया तुम्हारा। मैं तो समझती थी कि आयमा और फयाज भाई का कोई कसूर ही नहीं, सब इन पर इल्जाम लगा रहे। और शकीला भाभी, शकीला भाभी तो इसको पसंद नहीं करती है, नफरत करती है इसे। और जमीला अप्पा को तो हसद है इसके साथ, क्योंकि ये उनकी बेटी की जगह ले रही है। लेकिन मैं ही गलत थी, क्योंकि ये फयाज भाई की सिर्फ महबूबा नहीं है, तो उसकी। इसके आगे कॉल अलसत बोलिएगा प्लीज। अरे आगे का सुनोगे ना तो आसमान गिर पड़ेगा, इस घर पर कयामत आ जाएगी, जानते भी हो तुम लोग।
ये लड़की मां बनने वाली है। तो इसका कसूरवार तो आपका बेटा फैसल ही है ना, उसे जाके क्यों नहीं पूछती हैं आप? अच्छा, इसका मतलब है तुम सब लोग इस बात को जानते थे और मुझे अंधेरे में रखा गया। ये सवाल जाके आप अपने बेटे से पूछें। उस रात अंधेरे का फायदा उठाकर उसने आमा की इज्जत पे डाका डाला। बात सुनो मेरी, जो लोग डाका डालते ना उन्हें घर में इज्जत नहीं देते। अगर तुम्हें मेरे बेटे पर शक है ना तो जाओ केस करो उसके पर, कोर्ट जाओ, डीएनए कराओ। और मैं तुम सबसे वादा करती हूँ, अगर मेरे बेटे पर केस साबित हुआ और वो मुजरिम हुआ तो मैं अपने बेटे को अपने हाथों से जेल के सलाखों के पीछे करूंगी। रहमत, तुम दूर क्यों खड़ी हो? गले लगाओ इसको, इतना बड़ा काम किया है इस गुलाजत के ढेर को। पता नहीं किसकी औलाद है ये लड़कियां। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मार क्यों नहीं जाती है मां? इसको मर जाना चाहिए। इसे क्या कर रहा है? इसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन नहीं, मार क्यों नहीं जाती है? हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसने। पानी पी लो। मैं बेकसूर हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो बेटा। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। नफरत हो गई है मुझे इस जिंदगी से, बहुत बहुत नफरत। नहीं नहीं आना, आपको जिंदा रहना है उस वक्त तक जब तक आपका मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। कौन है मेरा मुजरिम? किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं आपका मुजरिम आपके सामने लाऊंगी। मुझे यकीन है और मैं साबित करूंगी कि वो कौन है जालिम। मैं तलाश नहीं कर सकी तो आप कैसे तलाश करेंगी? मैं मर जाना चाहती हूँ। जिसका चेहरा सामने आया उस पर शक करने को दिल ही नहीं मानता। मेरी जिंदगी तो गाली बन के रह गई है, इब्रत का निशान बन गई हूँ मैं। इस घर में कैसे रहूं, किस मुंह से? अरमान बेटा, आपको जिंदा रहना है। आप मर जाएंगी तो आपकी ये बदनामी जिंदा रह जाएगी। आपकी मौत आपके लगे दाग को नहीं धो सकती। ये ताकत सिर्फ जिंदगी को हासिल है, इसलिए आपको जिंदा रहना होगा बेटा। अपनी मौत को अपने माँ बाप के लिए ताना नहीं बनने देना बेटा। नहीं 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 बेटा, नहीं। आज़िम, आपको खुदा का वास्ता है, आप निकाल दें इस लड़की को इसी वक्त इस घर से। अरे रहमत, पागल हो गई है तुम? अगर उसे घर से निकाल दिया तो हमारी बदनामी घर से निकल के रोड पे आ जाएगी। बदनामी नहीं है ये, कयामत है। कयामत जो आयमा ने हमारे सर पे ढाई है। आपको क्या लगता है ये सलमा आंटी जाके किसी को कुछ नहीं बताएंगी? सबको बताएंगी, अपने सीने में कुछ दफन नहीं रखेंगी। आप लिख के रख ले। अरे तो ठीक है ना, अब हमें बर्दाश्त करना होगा, लेकिन आयमा को इस घर से मैं नहीं जाने दूंगा, समझी? क्यों क्यों से हम इस घर से नहीं निकालेंगे? सिर्फ इसलिए ना कि कहीं वो बाहर जाके आपके बाप के बदनामी का इश्तहार ना बन जाए। रहमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज तुमने मेरा मन तोड़ दिया। और मेरा भरम किसने तोड़ा? मेरी इज्जत किसने पामाल की? आपको तो सिर्फ अपने बाप की इज्जत की पड़ी है। और जो मेरे माँ बाप की इज्जत कदमों तले रौंदी गई वो, अरे तो क्या जरूरी है वो खत्म मेरे बाप के हो? आइंदा तो मेरे बाप का नाम नहीं लोगी, समझी? ठीक है, तो आप मुझे मेरे माँ बाप की लुटी हुई इज्जत वापस ला दीजिए। मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दूंगी।
डाकू ने मेरी अम्मी को मारा, हाइवा को भी मार देता उस दिन। कम से कम मैं ये दिन तो नहीं देखती। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आसिम, आसिम प्लीज प्लीज आप आयमा को निकाल दीजिए ना इस घर से। प्लीज आसिम। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। ये तो होना ही था। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। शुक्र है तुम्हें शर्म तो आई। शर्म से तो तुम्हारे सारे घर वालों को डूब के मर जाना चाहिए। मुझे इस घर में नया मेहमान आने वाला है, सोचा है तुम्हारा भाई कहलाएगा या बहन। देखो अभी हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि वो बहन होगा या भाई। फिलहाल आयमा के बारे में सोचो, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में तो आई कि इस वक्त हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि आने वाले मेहमान का बाप कौन कहलाएगा, बल्कि हमें आयमा के साथ भरपूर हमदर्दी करनी चाहिए। उसकी हमदर्दी और हिमायत हासिल करके हम सब कुछ कैश करवा सकते हैं। देखो अगर ये आखिरी बॉल पे छक्का पड़ गया ना तो समझो दिन फिर जाएंगे हमारे। जो काम तुम नहीं कर सके वो अब मैं करके दिखाऊंगी। ये सारी बातें छोड़ो, अभी तुम आयमा के पास जाओ, उसे तसल्ली दो, उसे अपने सीने से लगाओ, जरा प्यार मोहब्बत दिल जीतने की कोशिश करो उसकी। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ जाओगे। खाना गर्म करती हूँ। आयमा ने खाना भी नहीं खाया होगा ना। तो बहुत अच्छी बात है। उठे ना कमाल, कमाल उठे, उठे कमाल। मेरे वजूद में पलता मेरा जुर्म कल दुनिया के सामने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी। दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो, और ये कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारी अपनी औलाद है। बाजी एक बात पूछूं, खैरियत तो है आपकी? तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है मेरी तबीयत, तुम बाहर जाके कह दो कि तमाम रोशनियां बुझा दें, सारे घर में अंधेरा कर दें, और जो भी खाना बचा है ना यतीम खाने भिजवा दो। अच्छा मैं बोल दूंगी, आप पानी तो पी लें। नहीं पीना मुझे पानी, जो काम कहा है वो जाके करो, दिमाग खराब मत करो, जाओ। अच्छा ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या सोचा था कमाल हमने और ये क्या हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उसे वहां क्यों छोड़ा है। अपने हाथों से मार देता ना उसको तो सुकून मिल जाता मुझे। लाश को अगर दफना दिया जाए तो लोगों की हमदर्दियां हो जाती हैं उसके साथ, और अगर उसे जमीन के हवाले न किया जाए तो उसमें से बू आने लगती है, लोग उससे दूर भागने लगते हैं। तुम देखना आयमा भी उसी लाश की तरह होगी जिसमें से बू आएगी, लोग उसके करीब नहीं आएंगे, दूर रहेंगे उससे। मामा मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आयमा इतनी मक्कार निकलेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं लोगों को क्या कहूं। कल मैंने अपनी शादी में सबको इनवाइट किया हुआ, अब क्या कहूंगा उनको। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी कर ली होगी। कमाल आप मुझे भाईजान के पास लेके चलिएगा, मैं अनाया के साथ इसकी शादी कल ही करवाऊंगी। सुन रहे हैं ना आप, ये देखो फैसल तुम्हारे अब्बू यहां बैठे बैठे सो गए, इतनी बड़ी कयामत हमारे ऊपर से गुजर गई और आप सो रहे हैं। चले उठे, चल के कमरे में सोए। उठे ना कमाल, कमाल उठे, उठे कमाल।
कमाल क्या हुआ आपको? फैसल, फैसल अपने अब्बू को देखो। कमाल? डैड? क्या हुआ नहीं? डैड? मामा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। कमाल होश में है? क्या हुआ आपको? क्या बात है? सोए नहीं अभी तक? जा रहे ये एहसास सोने नहीं देता कि अम्मा के वजूद के अंदर पलने वाला गुनाह। कम ऑन, अपने दिमाग से सोच को निकाल दो, ये गंद अपनी सोच से निकाल दो। ये सबका जिम्मेदार फैसल। अगर फैसल जिम्मेदार है तो अम्मा को यहाँ लाके क्यों फेंक दिया उसने? उसे मालूम होना चाहिए हमारा घर है, कोई कचरा कुंडी नहीं जहाँ पे खलासत बुला के फेंक दिया जाए। अली, शायद फैसल अपना गुनाह छुपाने के लिए ही आयमा से शादी करना चाहता था, लेकिन जब मेहंदी की रात उसके सामने हकीकत खुली तो अपना भरम रखने के लिए आयमा को यहाँ छोड़कर चला गया। यही बात है, आयमा बेकसूर है और पापा फैसल की साजिश का शिकार हुआ। ऐसा ही है अयाज, लेकिन हमें आयमा को सहारा देना होगा। तुमने ठीक फैसला किया, आयमा इस घर की इज्जत है, भाभी की इज्जत है, और हमें इस घर की इज्जत को संभालना है। मैं उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता आसिम, आपको उसे घर से निकालना ही होगा। अली, अपने ऊपर काबू रखो, ये इंसानियत नहीं है। अम्मी पापा आयमा को सहारा देने के लिए इस घर में उसको लेकर आए थे, लेकिन इस घर में एक के बाद एक कयामत उस पर टूटी और वो बेचारी बर्दाश्त करती रही है। ठीक कह रहे हो आसिम, अगर हमने आयमा को घर से निकाल दिया तो वो जमाने की धूल बन जाएगी। हमारा फर्ज है कि हम आयमा को संभालें, उसे सहारा दें। तो ठीक है, फिर मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। अली, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? आयमा को थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, मैं उसके अब्बू के घर उसको शिफ्ट कर दूंगा। वैसे भी उसको हमारी जरूरत नहीं, उसके पास सब कुछ है, वो अपना बेहतर सोच सकती है। जब उसको सही लगेगा वो खुद घर छोड़ के चली जाएगी। देखो अली, हमें अल्लाह को भी जवाब देना, हम आयमा को इस तरह घर से निकाल के बेसहारा नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर जब तक वो यहां है उसे कह दीजिए कि फिर सामने ना आए। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि आयमा कहीं नहीं जाए, यहीं रहे। तुम्हारे साथ वक्त ने बहुत बड़ा जुल्म किया, और सबसे ज्यादा जुल्म तो तुम्हारी अपनी बहन रायमा ने किया। किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं पैदा ही जिल्लत उठाने के लिए। अरे नहीं आयमा, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने हमेशा बुरे हालात को बहुत अच्छे तरीके से शिकस्त दी। मैं और शिराज तुम्हारे साथ हैं, अब भी तुम्हें इन बुरे हालात का मुकाबला करना होगा। कैसे मुकाबला करूंगी? मेरे वजूद में पलता मेरा जुर्म कल दुनिया के सामने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी? दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो, और ये कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारी अपनी औलाद है। बेनामो निशान औलाद दुनिया के लिए गाली बन जाती है। दुनिया जाए बाहर में बेटा, ये तुम्हारी औलाद है, और अपनी जिंदगी की और इस बच्चे की हिफाजत करो बेटा। थोड़ा सा खाना खा लो, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो चारने वाले खा लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं लेकर आती हूँ उनके कपड़े। शाबाश, थोड़ा सा खा लो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होते।
क्या बात है रहमा, तुम रात भर सोई नहीं? आसिम, आप आयमा को यहां से दूर भेज दीजिए कहीं, प्लीज। आयमा कहीं नहीं जाएगी जब तक उसके रहने के लिए कोई माकूल ठिकाना ना हो जाए। माकूल ठिकाना? ऐसी लड़कियों का कोई माकूल ठिकाना नहीं होता, उनका ठिकाना तो बस बाजार होता है। शट अप रहमा, वो तुम्हारा खून है, तुम्हारी बहन, तुम उसे बाजार में बिठाओगी? बात खून की नहीं है आसिम, बात किरदार की है। जैसा उसका किरदार है उसके लिए बेहतर जगह बाजार ही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो तुम्हारी सोच घर से निकलकर बाजार तक पहुंच गई है। कहीं नहीं जाएगी आयमा। जी वकील साहब। क्या, कब, कैसे? जी जी मैं आता हूं। क्या वासिम खैर तो है? कमाल अंकल का इंतकाल हो गया, रात को उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जाहिर सी बात है जो कल रात हुआ वो ये इंकशाफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाए होंगे। ये लड़की आखिर कितनों की जान लेगी? जान लेने का इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं होता। मैं जा रहा हूं, तुम साथ चलोगी? किस मुंह से जाएंगे हम वहां? हमें देखते ही उनको आयमा याद आ जाएगी, उनकी जबानें चलने लगेंगी और वो सबको पकड़ पकड़ के बताएंगे कि ये उसी लड़की का बहनोई है जिसने अपनी मेहंदी के दिन अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। सलमा भाभी पानी पी लें, सबर करें, सबर। नहीं पीना मुझे पानी, जिंदगी का इतना लंबा साथ पल भर में खत्म हो गया। मेरी खुशियों भरे घर को किसकी नजर लग गई? उस मनहूस लड़की ने मेरा घर उजाड़ के रख दिया। वो लड़की थी कौन? हम तो आपके जाने के बाद चले गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था? वो एक आवारा लड़की थी, मां बनने वाली थी वो। शादी से पहले माँ, फिर ये रिश्ता कैसे हुआ? कमाल के दोस्त की अजीजा थी, कमाल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अभी इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। कमाल असल अम्मी, असल छोड़ा है अपने डैड को, उस मनहूस लड़की ने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अम्मी आप दफा करो उसे। कैसे भूल जाऊं मैं उसे, वो कातिल है कमाल की। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मेरे कमाल को मुझसे ले गई हो। कमाल, कमाल। आयमा। बीना भाभी। शिराज आए। ये क्या? असल में तुमने रात से कुछ खाया नहीं था तो शिराज बहुत परेशान थे, सुबह होते ही नाश्ता लेके आए हैं तुम्हारे लिए। बैठो बैठो, शाबाश बैठो। देखो आयमा, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ और ये नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरी छोटी बहन की तरह, बल्कि मेरी बहन हो तुम। ऐसे मत कहें शिराज भाई, बहन एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है और इसके काबिल नहीं रही हूँ मैं अब। आयमा तुम क्या कहना चाहती हो प्लीज, तुम मुझसे खुल के कह सकती हो। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह हूँ,
तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई भी मुश्किल आएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।